जानते हैं अपराजिता देवी की पूजा के बारे में। मित्रों, दशहरा के दिन दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। यह अपराजिता देवी दुर्गा देवी का ही एक रूप है और दशहरा के दिन इनकी पूजा करने से जातक को या लोगों को जीवन में कभी भी पराजय या फिर असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसके लिए दोपहर के बाद पूर्व दिशा में मुख रखकर तुलसी या रुद्राक्ष की माला हाथ में धारण करके ओम अपराजिताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा भारतीय संस्कृति में किसी भी जातक के 16 संस्कार बताए गए हैं। दशहरा के दिन नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चौल संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार आदि संस्कार करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है ऐसा कहा गया है। किंतु दशहरा के दिन विवाह संस्कार निषिद्ध है, यानी कि दशहरा को विवाह संस्कार नहीं होना चाहिए। विवाह को छोड़कर कोई भी शुभ कार्य दशहरा के दिन हो सकता है, जैसे गृह प्रवेश या गृह आरंभ, वास्तु शांति या किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य दशहरा के दिन होना चाहिए या किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य दशहरा के दिन करने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। मित्रों, आइए दशहरा के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करें।